बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी हैदराबाद ने मल्लापल्ली कैंडिडेट जफर खान के साथ किया आज एक पैदल दौरा, जहां पर उन्होंने लोगों से मुलाकात की और अपील की कि 1 दिसंबर को जीएचएमसी के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें पतंग के निशान को वोट करें और एआईएमआईएम के कैंडिडेट जफर खान को कामयाब बनाएं। याद रखें, इस बार का जीएचएमसी इलेक्शन में काफ़ी गर्मा गर्मी हो रही है। हाल ही में बीजेपी के युवा मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट तेजस्वी सूर्या ने काफ़ी कंट्रोवर्शियल बयान भी दिए और कई सारे इल्ज़ाम भी लगाए। बीजेपी के कई सारे नेशनल लीडर्स इस बार जीएचएमसी के इलेक्शंस में पार्टी का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। क्या ऐसे में एआईएमआईएम पे कुछ फ़र्क पड़ेगा या टीआरएस पे कुछ फ़र्क पड़ेगा या फिर उनकी जो अनडिस्प्यूटेड जो विन्स हैं वो बरकरार रहेगी? ये बैटल अब असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के खिलाफ क्लियर नजर आ रहा है। ऐसे में कई सारे रीजनल पार्टीज और लोकल पार्टीज भी काफी हेविली प्रचार कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो के हाइलाइट्स। पहले दिसंबर को मंडले स्कोर देकर कामयाब करिए।